हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो इस पूरी सीरीज का पार्ट नंबर वन है। इसमें वी विल बी डिस्कसिंग द वेरी बेसिक्स कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो दिस वीडियो और इस चैप्टर की जो वीडियोज हैं, दीज वीडियोज विल बी कमिंग इन पार्ट्स। तो ये सबसे पहला वाला पार्ट है एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इनको बीच में ना देखें, इसको एक सीक्वेंस वाइज ही देखें, मतलब पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तभी जाकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन दिस टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट इज टू बी टेकन बाय वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है। तो ये सारे डिसीजन हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। इन दिस फर्स्ट वीडियो वी आर हैविंग जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट थिंग, इस चैप्टर को समझने से पहले हम सबसे पहले इसकी बेस को क्लियर करेंगे, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस, अब आप इसका मतलब इसके नाम से निकाल सकते हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस में लगने वाला पैसा। ठीक है, बिजनेस में लगने वाला पैसा। अब बिजनेस में लगने वाले पैसे को हम कैपिटल भी कहते हैं और बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि हम यहाँ पर मनी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टेक कंसिडरिंग दैट कैपिटल इंक्लूडिंग मशीनरी एंड प्लांट, यहाँ पर हम सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस फाइनेंसिंग का सीधा मतलब वो वाला पैसा जो हमारा बिजनेस में लगता है। अब फर्स्ट मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। वही सेम चीज लिख दी गई है कि वो वाला सारा मनी जो हम बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने में या बिजनेस करने में खर्च करते हैं, उस मनी को हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग वेरियस सॉरी वराइटी ऑफ असेट्स लाइक मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिस, ट्रेडमार्क, पेटेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज। अब हमने बोला कि वो सारा पैसा जो हम बिजनेस में खर्च करते हैं, तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग जो हम बिजनेस में खर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी बिजनेस है तो हमको उसके लिए मशीनें चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, ऑफिस चाहिए। अगर हमारा कोई ट्रेडमार्क है तो उसके ऊपर खर्च होने वाले पैसे, पेटेंट हमने ले रखा है तो पेटेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज, अगर हम टेक्निकली कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें होने वाला सारा खर्चा। तो एक बिजनेस को रन करने के लिए जितना भी मनी रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो आपका कहीं भी इन्वेस्ट हो, फिक्स्ड में लगे, कहीं भी लगे, इट इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। ऑल्सो फाइनेंस इज सेंट्रल टू रन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस लाइक पेइंग बिल्स, सैलरी, रेंट, वेजेस, मटीरियल। अब जैसे कि कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में सिर्फ मशीनों पर अगर हमारा पैसा खर्च हो गया तो बस बात वहीं खत्म नहीं हो जाती। डेली डेली ऑपरेशंस को मीटअप करने के लिए भी वी नीड मनी। जैसे कि हमें अपने, अगर हमारी बिल्डिंग रेंट की है तो उसको हमें रेंट देना पड़ता है, अपने वर्कर्स को सैलरी एंड वेजेस देने पड़ते हैं। अगर हमारे बिल आ रहे हैं हर महीने, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये बिल, वो बिल, तो उन सारे बिल्स का पेमेंट। तो दो तरीके के बिजनेस फाइनेंस हो सकते हैं, एक तो होता है आपका फिक्स्ड वाला जो आपके फिक्स कैपिटल में लगता है, और एक होता है आपका वर्किंग जो कि आपका डे टू डे ऑपरेशन को मीटअप करने के लिए लगता है। तो वो सारा पैसा जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में खर्च हो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, इन सारी चीज़ों में खर्च हो, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कह देते हैं। और वो सारा पैसा जो हमारा डेली के बेसिस पे हमको चाहिए, जैसे कि सैलरी वगैरह और छोटे मोटे खर्चे, स्टेशनरी, उन सबको हम कहते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल। अभी इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले जो टॉपिक है उसमें हम आपको फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल डिटेल में समझाएंगे। उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिक्स कैपिटल क्या है एंड वर्किंग कैपिटल क्या है। तो अभी आप इसको शॉर्ट पे समझें, क्योंकि अभी के लिए ओनली दिस मच इज इम्पोर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मतलब के ऊपर। ओके, सबसे पहले किसी चीज को समझने से पहले उसके नाम को हमें एक बार रीड करना चाहिए और उसको डिकोड करना चाहिए कि उसके नाम से हमें क्या समझ में आता है। इसके नाम में लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसके नाम से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ पर फाइनेंशियल या फाइनेंस की बात हो रही है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, एंड मैनेजमेंट मतलब जो हम मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इससे क्या हमें समझ में आया, द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, अब देखते हैं इसकी और डिटेलिंग में कि इसका क्या एग्जैक्ट मतलब हो सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट या इट इज़ नॉट ओनली एसेंशियल कि ठीक है हमने सब मैनेज कर लिया, कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम अपने काम को इफेक्टिवली एंड इफिशेंटली दोनों तरीके से कर रहे हैं तो उसमें से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है,
दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि किस तरह से वी आर प्रोक्योरिंग मनी और उस मनी का यूज कैसे किया जा रहा है, उसको कहते हैं हम मनी का मैनेजमेंट करना। जैसे कि अगर हमें पैसे चाहिए अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमने उसको प्रोक्योर मतलब उसको अरेंज कैसे किया, कहाँ से लेकर आए और उसका यूज कैसे किया, मतलब उसको किस तरह से खर्च किया, क्या उसका रेकलेस खर्चा किया या उसको बहुत ही सोच समझ के ऑप्टिमाइज तरीके से खर्च किया। दीज थिंग्स आर नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब हम सोच के अपने पैसों का अरेंजमेंट करते हैं कि हम कहाँ से पैसे अपने अरेंज कर सकें जहाँ पर हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। ठीक है, जब भी हम सोचते हैं कि हम किसी से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये सोचते हैं कि हमारे खुद के पास कितने पैसे होने चाहिए, हमारे खुद के पास कितना रिसोर्स है, उसके बाद वी विल बी मूविंग फर्दर जहाँ पर हम सोचते हैं कि ओके हम लोन ले सकते हैं या इस बैंक से या डिबेंचर के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अरेंज मनी फ्रॉम आर एंड। ठीक है, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मेरे पास कितने पैसे हैं। जब आपका अपने पास से अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अब इतने पैसों की कमी हो गई, अब इतना हम अपने किसी दोस्त से, अपने किसी बैंक से, कहीं और से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले वी स्पेंड आर ओन मनी एंड देन वी गो फर्दर लोन। ठीक है, जब तक हमारे पास कमी नहीं हो जाती, हम अपने पैसे बचा के सीधे लोन लेना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी लाइबिलिटी लेना नहीं चाहेंगे। सेकेंड पॉइंट सेज फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। इसका मतलब वही सेम चीज़ है कि हमको जब मनी अरेंज करना है, हमको प्रोक्योर करना है, मतलब हमको बाहर से अरेंज करना है, तो जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन्स, ये सारी चीज़ें जितने भी सोर्सेज हैं, सबके हमको पहले आइडेंटिफाई करना है, अच्छा ठीक है ये वाले सोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल है, एंड कंपैरिजन करना है उन सब का, कैसे कि उसमें कितना खर्च आएगा और किस में कितना रिस्क है। ठीक, क्योंकि हम किसी से अगर लोन ले रहे हैं तो अल्टीमेटली वी बिकम द डेटर और हमको उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो उसकी कॉस्ट कितनी है और उसका रिस्क कैसा है, सारी चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही हम प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम आउटसाइड। ओके, अगर हमें किसी से लोन लेना है तो हम ऐसे ही बिना सोचे समझे लोन नहीं ले लेते, अनटिल एंड अनलेस डिटेल स्टडीज इज नॉट डन बाय अस फ्रॉम आर एंड। ओके, थर्ड पॉइंट सेज द फाइनेंस ऑफ प्रोक्योर्ड नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ मैनर दैट द रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट एट विच द प्रोक्योरमेंट हैज टेकन प्लेस। मतलब कि द फाइनेंस ऑफ प्रोक्योर्ड, सपोज हमने सोच लिया कि हम लोन के थ्रू फाइनेंस लेंगे, ठीक है, लोन के थ्रू अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हमने फाइनेंस ले लिया तो वो इस तरह से इन्वेस्टेड होना चाहिए, मतलब इस तरह से खर्च होना चाहिए हमारे बिजनेस में, चाहे वो कोई भी पैसा हो, इस तरह से खर्च होना चाहिए जिससे कि उसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा हो जाए और उसकी कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे हमने ख़रीदा था वो कम हो जाए, मतलब कि हमको जो फ़ायदा हो वो फ़ायदा ज़्यादा हो और उसको प्रोक्योर करने में जो हमारा खर्चा हुआ था वो खर्चा कम हो जाए। ठीक है, मतलब कि हम फ़ायदे में रहें, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको सही जगह खर्च नहीं कर पाए और हम नुकसान में चले जाएं। ओके, तो जो भी पैसे हमने बाहर से प्रोक्योर किए हैं वो इस तरह से इन्वेस्ट करने हैं अपने बिजनेस में, इतने प्लान्ड तरीके से इन्वेस्ट करने हैं कि उसमें जो जो हमें रिटर्न मिले वो हमारे कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट लोन, उस कॉस्ट से ज़्यादा हो और हम प्रॉफिट में रहें और लोन हमारा धीरे धीरे आराम से जो है हम चुका दें उसको। फोर्थ पॉइंट सेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये स्टडी करते हैं कि हम जो भी लोन ले रहे हैं, जो भी किसी आउटसाइडर से कोई डेट अगर हम ले रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, इस तरह से खर्च करना है कि उसकी कॉस्ट कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट मतलब उस लोन को लेने का जो पैसा है वो कम हो जाए और रिस्क, जो भी रिस्क है, क्योंकि अगर हम बाहर से लोन लेते हैं तो हमको हर टाइम पे जो भी आपका पीरियड डिसाइडेड है, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, सॉरी नॉट वीकली, इट इज़ 6 मंथली, जैसा भी टाइम डिसाइड है उस हिसाब से हम उसका पेमेंट कर सकें, कोई रिस्क ना रहे, क्योंकि हमको इंटरेस्ट प्लस
प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा अगर हमने किसी से लोन लिया है तो, ठीक है। तो उस रिस्क को अंडर कंट्रोल रखें और जो पैसे हमने अरेंज किए हैं उनका बिल्कुल इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट हो, मतलब उनका इफेक्टिव यूज़ हो, उनका रेकलेस यूज़ ना हो कि हमने उसको अरेंज तो किसी और पर्पज़ के लिए किया था बट अब हम उसको कहीं और यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन कम्स, फिर आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि क्यों हम मनी को इतने इफेक्टिवली प्लान कर रहे हैं, क्यों हम ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ से मनी जनरेट करें, उस कोर्स के बारे में डिटेल स्टडी करना कि कहीं उससे हमें ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च करने पड़ेंगे या हमारे को कहीं ज़्यादा रिस्क तो नहीं है। तो ये सारी डिटेल स्टडी हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग रीजन्स, उसका इम्पोर्टेंस ये है। फर्स्ट पॉइंट इज द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब कि हमारे बिजनेस में फिक्स असेट्स का क्या साइज है एंड क्या कॉम्पोजिशन है। फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर, फर्नीचर, ये सारे चीज़ें, ये सारे फिक्स असेट जिसमें जिसपे अगर हम पैसे खर्च कर देते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे पास रहता है, और एक बार अगर पैसे खर्च हो गए तो वो दैट डिसीजन बिकम्स इरिवोकेबल, हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने मशीन में 10 लाख रुपए खर्च किए हैं तो वो 10 लाख रुपए इरिवोकेबल हैं, अब हम ये नहीं सोच सकते कि इसको हम वापस अपने बिजनेस में लेकर आ जाए। ठीक, तो मतलब वो पैसे एक बार अगर खर्च हुए आपके फिक्स असेट में तो वो फिक्स हो जाते हैं। ठीक, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स असेट से हम एग्जाम्पल से एक समझ सकते हैं कि अगर हमें पैसे अपने खर्च करने हैं फिक्स असेट में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए खर्च करने हैं हमको इन फिक्स असेट, तो जब हमने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो वो 100 करोड़ के पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब फिक्स असेट में यूज हो जाएगा, हमको दोबारा से वो अमाउंट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस वजह से अगर हमें खर्च करना है, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर एंड डिटेल स्टडी कि हमको किस में कितना खर्च करना है, क्योंकि द मनी वंस इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट वो आप उसको दोबारा निकाल के बाहर अपने बिजनेस में नहीं ला सकते हैं। इस वजह से उसको कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल, कि अगर एक बार वो फिक्स असेट में लग गया देन दैट डिसीजन इज इरिवोकेबल। सेकेंड पॉइंट सेज द क्वांटम ऑफ करेंट असेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इन टू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। इसका मतलब है कि अगर हम अपने फिक्स असेट्स पे, मतलब अपने लैंड, मशीनरी, प्लांट, उन सब पर अगर खर्च ज़्यादा कर लेंगे तो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में। जैसे कि अगर हम डिसीजन ले लेते हैं कि ओके हम अपने करेंट असेट्स पे उतना खर्च नहीं करेंगे, बट बिकॉज हम अपने फिक्स असेट्स पे खर्च कर रहे हैं तो उसका भी आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इफेक्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसीजन जो कि आप ले रहे हैं। अगर हम अपने फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करंट असेट्स में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारे फिक्स असेट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो अल्टीमेटली उसके डे टू डे फंक्शनिंग में भी खर्चा होता है, दैट डे टू डे फंक्शन वाले हमारे करंट एसेट हो जाते हैं और उसमें भी हमको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंस इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज्ड, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये भी डिसीजन लेते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैसा रहेगा, किस तरह से हम फंड अरेंज करें। अगर लॉन्ग टर्म है तो मतलब कि वो लंबे समय तक हमारे पास रहेगा, और शॉर्ट टर्म है तो मतलब कि एक साल से कम तक हमारे पास रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी वो ये सोचती है कि लिक्विड असेट ज़्यादा हो, मतलब कि शॉर्ट टर्म असेट ज़्यादा हो, जिससे उनका वर्किंग कैपिटल जो है वो मैनेज रहे और डे टू डे खर्चे आराम से पूरे होते रहे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि लॉन्ग टर्म देखें तो हमको लॉन्ग टर्म में क्या देखने को मिलता है, वील बी गेटिंग मोर प्रॉफिट अगर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि हमको चॉइस करनी पड़ती है कि हमको शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म मतलब हमारे पास मनी आ जाएगा, हमारे पास लिक्विडिटी रहेगी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म तो मतलब कि लॉन्ग टर्म में मनी लॉन्ग टर्म में हमें मिलेगा, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। अगेन यहाँ पर कंपनी हैज टू डिसाइड कि हमको लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए अभी या हमको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर ये डिसाइड करती है कंपनी जस्ट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हमको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है या फिर लॉन्ग टर्म में। देन कम्स फोर्थ पॉइंट, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंटू डेट या फिर इक्विटी। अब जैसे कि हमको चाहिए पैसे तो वो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो हम अपने इक्विटी के थ्रू लेकर आए या फिर हम किसी से डेट ले लें। अब डेट अगर देखा जाए तो बाहर से यानी आउटसाइडर लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है,
लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो अगेन वो हमारी कंपनी में एक अपनी वैल्यू देते हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल वो वाला मनी होता है जो हमारे ओनर फंड को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इसका दूसरा नाम ओन्ड फंड होता है। ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं कि फाइनेंस कैसे अरेंज करें, तो हम ये कर सकते हैं कि अपने पूरे फाइनेंसिंग डिसीजन को बाइफरकेट कर दें, क्योंकि इतना हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, इतना प्रेफरेंस इशू करेंगे, इतना डिबेंचर है, इतना लोन है, इतना रिटेन अर्निंग है। तो इसका बाइफरकेशन करना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बाइफरकेशन करना आपका मतलब मैनेजमेंट करना है, विच इज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट सेज ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा डेट होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास आउटसाइडर डेट है, उतना ही ज़्यादा हमको लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, खर्चे देने पड़ेंगे। और ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास हायर इक्विटी है, मतलब कि हमारे पास शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं, उस केस में शेयर होल्डर को उनका रिटर्न देना पड़ता है, मतलब कि हमको डिविडेंड देना पड़ेगा। दैट इज़ वाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड कर पाना कि हम क्या करें, और हम कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज करें, और किस किस तरह से करें कि हमारी खुद की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, और हमारा जो रिटर्न है वो हमेशा मैक्सिमम रहे, नो मैटर हम इक्विटी के थ्रू रेज करना चाह रहे हैं या फिर डेट के थ्रू। अगर आपको डेट, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, अगर इन सब के बारे में आपको नहीं पता, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ पर जाकर डिबेंचर क्या होता है, शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड, इन सब के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाए, प्लीज गो एंड वॉच, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। द प्राइमरी एम ऑफ FM इज टू मैक्सिमाइज द करेंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज द शेयर होल्डर्स। क्योंकि हम सबको पता है कि कंपनी का पूरा पैसा होता है, पूरा शेयर कैपिटल होता है, या पूरा जो कैपिटल होता है, दैट इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, जिसको हम कहते हैं शेयर। वो शेयर जो होल्ड करे उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये है, या उसका प्राइमरी एम, उसका मकसद ये है कि हम अपनी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ाएं, क्योंकि अगर हमारी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी के ओनर्स की वेल्थ बढ़ेगी। जब कंपनी के ओनर्स की वेल्थ बढ़ेगी तो इट इज़ क्लियर कि कंपनी भी अपना अच्छे पीक पे पहुंचेगी। और द मेन एम इज़ टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमको पता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो अगर उनकी वेल्थ बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली कंपनी की भी वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो हम पैसे को इस तरह से खर्च करते हैं कि हमारे को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम हमेशा प्रॉफिट के मामले में मैक्सिमम पे रहें। अगर हमारे करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब हमारी इक्विटी शेयर का अगर दाम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ क्लियर कि हमारी कंपनी फायदे में जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट सेज दिस इज बिकॉज ऑफ अ कंपनीज फंड्स बिलोंग टू शेयर होल्डर एंड द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न अर्न्ड बाय देम डिटरमाइंस देयर मार्केट वैल्यू। हम अपने शेयर होल्डर की ही क्यों वेल्थ को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी के शेयर को खरीदा है। ठीक है, बिकॉज अ कंपनीज फंड बिलोंग्स टू इट्स शेयर होल्डर। मैंने आपको बताया कि कंपनी का पूरा कैपिटल स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको हम कहते हैं शेयर, और जो शेयर होल्ड करे उसको कहते हैं शेयर होल्डर, क्योंकि उनके पैसे कंपनी में लगे हुए हैं, उन्होंने शेयर खरीदे और हमको रिटर्न में मनी दिया, तो उनके मनी की टेक केयर करना इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम उनके मनी को किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं उस तरह का ही रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छी तरह से बहुत ऑप्टिमल तरीके से खर्च किया है तो रिजल्ट विल बी गुड, और ऑन दी अदर हैंड अगर रेकलेस तरीके से खर्च किया है तो आउटकम नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमने किस तरह से मनी उसमें इन्वेस्ट किया है एंड रिटर्न किस तरह का मिल रहा है, दैट डिटरमाइंस द मार्केट वैल्यू। अगर अच्छा किया है तो हमारा शेयर प्राइस बढ़ेगा, अगर बुरा किया है तो नहीं बढ़ेगा। देन ऑल दोज एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, वेज ऑफ हैंडलिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मस्ट बी आइडेंटिफाइड, विच विल अल्टीमेटली लीड टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। इट कैन हैपन थ्रू इफिशियंट डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के,
और तरीके हैं हमारे पास कि हम कहाँ कहाँ से मनी को रेज करेंगे, वेज ऑफ हैंडलिंग मतलब कि हम वर्किंग कैपिटल को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस, ये डिसीजंस हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए, और जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे तभी इंक्रीज होगा हमारे शेयर में, और उससे क्या हो सकता है, फर्दर कंपनी की ग्रोथ होगी, और ये सारी चीज़ें जो होंगी एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के थ्रू ही होंगी। तो इस पूरे टॉपिक से आप सिर्फ ये समझिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम किस तरह से मनी का मैनेजमेंट करते हैं और कितने ऑप्टिमल तरीके से मनी का मैनेजमेंट करते हैं, हम मनी को कहाँ कहाँ से रेस कर सकते हैं, कैसे उसको खर्च करें, और इस तरह से खर्च करना है कि हम बिल्कुल नुकसान में ना जाएं और हम अपने शेयर होल्डर्स की, जिनको हम कहते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, जो आपको रेड से यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द की वर्ड कि मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स या मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये आपका की वर्ड है। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉट इज योर ऑब्जेक्टिव, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि अगेन ऑब्जेक्टिव तो अब सारी चीजें इंटरलिंक है। अगर वेल्थ ऑफ ओनर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी विल ग्रो। ठीक है, तो चीजें यहाँ पर इंटरलिंक हैं, प्लीज इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है सिर्फ मनी का मैनेजमेंट करना, और बहुत ही इफिशियंटली तरीके से, इफेक्टिवली तरह से मनी का मैनेज करना। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, यू कैन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन ज्वाइन फेसबुक फॉर लिंक्स, जो भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ लिंक इज शेयर्ड देयर ऑल्सो। यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम फॉर द PDF नोट्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द अपकमिंग पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो, और इन्हें सीरियल वाइज देखें, वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।